कृतिका जल्दी के लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सब का स्वागत। हाँ, सीरीज में आज हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या इस पैंडमिक पीरियड में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना सही है और साथ ही फर्टिलिटी से जुड़ी कई सारी अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे। और इस टॉपिक पर हमारा साथ देने के लिए जुड़ रही है सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर कल्याणी श्रीमली। तो चलिए, मैं अब उन्हें हमारी लाइव सेशन के लिए ऐड करती हूँ, और जब तक मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ, मैं हमारे सारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जुड़ी उनके मन में कोई भी सवाल है या फर्टिलिटी के बारे में वो कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और इस लाइव सेशन के दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल पहुँचा सकें। बस कुछ ही पलों में डॉक्टर कल्याणी हमारे साथ। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हाय, आई एम ऑल वेल, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड। डॉक्टर, आज हाउ इज एवरीवन डूइंग? एवरीवन इज फाइन जी। सो डॉक्टर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड क्या ये कोरोना वायरस ओके, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट के जब हम ये प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी प्लान होने के लिए मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पार्टनर्स की सारी चीजें ठीक होना जरूरी है, तभी आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। सो नाउ कमिंग टू कि ये कोविड के टाइम पे क्या ये कोविड वायरस जो है ये हमें अफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है कंसिस्टेंटली विथ जो फीमेल पार्टनर्स है या तो फिर मेल पार्टनर्स है करके। सो कोविड की वजह से, वायरस की वजह से, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इट मेनली जो ये अफेक्ट करता है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है एंड इवेंचुअली हमारे बाकी सब सिस्टम, बॉडी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। एज ऑफ नाउ कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, बट यस, कहीं ना कहीं पे हमारी इम्यूनिटी डाउन जाती है तो थोड़ी बहुत चेंजेस तो हमारे एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी में आती है, जो कंपनसेट हम जो ये सारी मेडिकेशंस दे रहे हैं कोविड के टाइम पे, विटामिन सी दे रहे हैं, जिंकोविट दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, ये बेसिकली इसीलिए है ताकि हमारे सारे सेल्स जो है बॉडी के, विच इंक्लूड्स इवन द स्पर्म्स एंड द एग्स जो है, ये हमारे हेल्दी रहे करके। सो हैज ऑफ नाउ हमें कोई ऐसे केसेस नहीं आए हैं जहां पे उनको कोविड हुआ है एंड सडनली वो आया है, सडनली एग्स खत्म हो गए हैं या फिर स्पर्म्स खत्म हो गए। यस, मेल्स के अंदर हमने जरूर देखा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि स्पर्म काउंट हल्का सा कम हो रहा है या फिर हल्के से मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार उनको रिलेशंस रखने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉबेबली बिकॉज स्पर्म साइकिल जो होता है ये 3 मंथ्स का होता है। अब आपको कोविड हुआ है तो कहीं ना कहीं पे वो अफेक्ट हुआ होगा वो टाइम की ग्रोथ के ऊपर या तो फिर प्रोडक्शन के ऊपर, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। बट नॉर्मली देखा जाता है कि ये सारी रिकवरी हो जाती है वंस यू पुट देम ऑन करेक्ट टाइप ऑफ मेडिकेशंस। सो इस पैंडेमिक पीरियड में क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट रेट पर भी इफेक्ट पड़ा है? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, वन इज के जहाँ पे लोग अभी परेशान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, यानी वो बेसिकली घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं टू कम एंड टेक द ट्रीटमेंट, अगर आप उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी आर ऑल मूविंग टू टेली कंसल्ट, हम बहुत सारे टेली कंसल्ट कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, जहाँ पे पेशेंट्स कीन तो है कंसीव करने के लिए, एक बिकॉज उनके पास अभी टाइम है, सेकेंड कि हस्बैंड्स जो ट्रैवल करते हैं दे ऑल्सो हैव टाइम, वो लोग अभी घर पे है, बिजनेसेस अभी बंद है, सो एवरीवन हैज गॉट द टाइम टू थिंक अबाउट इट, तो ऑफकोर्स उनको प्लानिंग करनी है। द ओनली थिंग इज उनके मन में दो चीजों का डर है, एक कि वो बाहर कैसे निकले, बिकॉज अगर उन्होंने कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट किया या स्टार्ट किया जहाँ पे उनको रूटीन सोनोग्राफीज की जरूरत होगी या इंजेक्शन की जरूरत होगी, एंड वॉट इफ दे कांट रीच द सेंटर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो उस चीज की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स थोड़े से कम हो गए हैं। सेकेंड इज कि यस, इस बार का जो कोविड हुआ है, आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि सबकी फैमिली में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उसका एक बैड इफेक्ट हम पे हुआ है और हम डर गए हैं। सो बेसिकली वो डरने की वजह से कि हमारे फैमिली में ये है, तो एवरीवन इज फीलिंग स्केर्ड टू कम एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। कोविड होने की वजह से हम ट्रीटमेंट पे पाबंदी लगाए या स्टॉप करें ऐसा नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि पीपल आर अफ्रेड टू कम एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। बट स्टिल मेट्रो सिटीज जैसे है, जैसे आई एम श्योर बॉम्बे दिल्ली में उतना नहीं वो हुआ होगा जितना
इंदौर में भी, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो इंदौर में भी जो कपल्स आ पा रहे हैं, जो लोकल टाउन के हैं, सिटीज के हैं, वो आ रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड दे आर मूविंग अहेड विद द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. तो क्या ये सही समय है टू प्लान अ प्रेगनेंसी एंड गो फॉर अ सो इम्पोर्टेंट ओके ट्रीटमेंट? सो आज से 1 महीने पहले वी वर ओके कि यू नो आप प्लान करिए करके, बट कीप योर सेल्फ, जो भी प्लानिंग के लिए आ रहे थे, लेट्स से नॉर्मल भी कोई चीज के लिए प्लानिंग के लिए आ रहे थे, नॉट इवन अगर आईवीएफ भी, तो हम बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम, यानी कि हम कर सकते हैं, बट दी ओनली थिंग इज कि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. आइसोलेशन इन द सेंस कि यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आप यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हैं करके, यू आर मेंटेनिंग द प्रॉपर जो कोविड प्रोटोकॉल है कि मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, हैंड हाइजीन, ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन रखनी है. वंस दे वर ओके विथ इट, हम लोग ऑफकोर्स उनका कोविड टेस्ट वगैरह, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, कोविड टेस्ट होते हैं, ये सब करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनके लिए ये सही टाइम है या नहीं है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए. बट जैसे ही गाइडलाइंस आई है फॉर द वैक्सीनेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल. वी हैज अ कंसल्टेंट, हम उनको ये एडवाइस कर रहे हैं, इट इज बेटर टू टेक योर वैक्सीन एंड देन प्लान योर प्रेगनेंसी. एटलीस्ट टेक योर फर्स्ट वैक्सीन. ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन फर्स्ट डोज ले लिया तो वी नीड टू वेट फॉर द सेकेंड वैक्सीन का डोज. आइडियली यस, यू शुड कम्प्लीट बोथ द डोजेस, बट अगर जैसे कभी फर्स्ट डोज के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, देन वॉट, यू नो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब हम वैक्सीनेशन के लिए बात करते हैं पेशेंट्स के. ऑडिबल, यस या सॉरी, अगर जैसे हमारा फर्स्ट वैक्सीन का डोज हो गया और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, शुड आई अबॉर्ट इट या फिर मैं प्लान ही नहीं करूँ? तो ऐसा नहीं है. इवन इफ यू हैव टेकन योर फर्स्ट डोज एंड इफ यू बिकम प्रेग्नेंट, यू कैन सेफली कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी. तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि जहाँ पे हम ये बोले कि यू नो आपने वैक्सीन लिया है तो आपको यू नो प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी चाहिए. सो इट इज ऑल, इट्स लाइक ए तराजू वेर यू नीड टू वे योर प्रोज एंड कॉन्स. बट जहाँ पे लोगों ने इतना वेट किया है इन दिस करंट पैंडमिक, अगर हम थोड़ा थोड़े से दिन और वेट कर ले, इट विल बी आइडियल, फिनिश योर वैक्सीनेशन एंड देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी. तो क्या हॉस्पिटल्स प्रॉपर लाइक केयर एंड प्रिकॉशंस ले रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर द ट्रीटमेंट? यस, अब जैसे देर आर मल्टीपल हॉस्पिटल्स जो कोविड सेंटर्स हैं, देर आर मेनी हॉस्पिटल्स विच आर नॉन कोविड करके, जो हमने लास्ट ईयर जो नहीं कर पाए थे, इस साल हम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ सर्टन हॉस्पिटल्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू कोविड एंड सर्टन हॉस्पिटल्स बीइंग एब्सोल्युटली नॉन कोविड. तो अगर आप कोई भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फर्स्ट इज यू नीड टू चेक कि वेदर वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. जैसे मेरे सेंटर जो नोवा का सेंटर है, हम यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं जो WHO द्वारा है, कि जैसे ही आप एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, वन इज इंसिस्ट ऑन एन अपॉइंटमेंट, ताकि आपको अननेसेसरी जाके वेट नहीं करनी पड़े, लोगों के साथ ज्यादा आपका एक्सपोजर ना हो. इंसिस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट. जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, तब नॉर्मली द फ्रंट डेस्क पीपल, दे आस्क यू आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, आपके फैमिली में किसी को फीवर तो नहीं, आपको फीवर तो नहीं है. सो दिस इज हाउ विद स्मॉल, जिसको हम ट्रायजिंग बोलते हैं, विथ ऑल दो सर्टन स्मॉल क्वेश्चंस, वी कैन फाइंड आउट विच आर द पीपल हु कैन कम टू द सेंटर एंड विच आर द पीपल हु शुड अवॉइड राइट नाउ कमिंग टू द सेंटर. एक बार सेंटर पहुंचते हैं तो ऑन द एंट्रेंस हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हम आपका सैचुरेशन लेवल चेक कर रहे हैं एंड इफ पॉसिबल हम आरोग्य सेतु भी चेक कर रहे हैं. इफ एवरीथिंग इज ओके, ऑफ कोर्स वी अलाउ यू टू कम इनसाइड. व्हेन यू आर इनसाइड, वी ऑल इंसिस्ट यू ऑन वेयरिंग योर मास्क. एंड हम तो बहुत सारे पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि शील्ड भी पहनिए, एंड पीपल हु आर अंडरगोइंग द रेगुलर ट्रीटमेंट, वी आर इंसिस्टिंग कैरी योर ओन थिंग्स. आपके ब्लैंकेट्स हो गए, आपके बेडशीट हो गए, आपका सैनिटाइजर हो गया, कैरी योर ओन थिंग्स, आपकी पानी की बॉटल होगी, सो दैट आपको किसी के साथ भी क्रॉस इन्फेक्शन होने की जरूरत ना पड़े. सेकेंडली, एवरी हाफ एन आवर के अंदर द कैबिन एज वेल एज द क्लिनिक इज गेटिंग सैनिटाइज, यानी कि प्रॉपर सैनिटाइजर के साथ हम डेली सैनिटाइज कर रहे हैं. एंड इवनिंग में प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल जो होता है थ्रू द पीपल कमिंग एंड स्प्रेइंग द सैनिटाइजर, वो हो रहा है. सो येस, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, बिकॉज आपके साथ में डॉक्टर, स्टाफ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टू कीप एवरी वन सेफ. एंड ऑफकोर्स बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स हैं और हमारा नर्सिंग स्टाफ है, वी आर ऑल फुल्ली वैक्सीनेटेड विद 2 डोजेस हमारे हो चुके हैं, सो वी आर ऑल सेफ एज ऑफ नाउ. एंड होपफुली हम जितना मेंटेन करते जाएंगे, थिंग्स वुड बी इन अ बेटर प्लेस. बट येस, आई वुड इंसिस्ट पीपल, जो भी जहाँ पे भी आप विजिट कर रहे हैं,
टू मेंटेन योर ओन प्रोटोकॉल, टू मेंटेन योर ओन हाइजीन, टू मेंटेन योर ओन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. प्लीज डबल मास्क पहनिए, शील्ड पहनिए या एटलीस्ट स्पेक्स पहनिए. ट्राई टू हैव योर ओन सैनिटाइजर, सारी चीजें विद अपॉइंटमेंट जाइए. ज्यादा टाइम अगर आप क्लिनिक भी जाते हैं प्लीज इधर उधर मत बैठिए, यानी एक जगह पे बैठे वहीं पे इधर उधर टच मत कीजिए. जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज जितना भी आपका कॉन्टेक्ट होता है या जितना भी आपका वहां पे वेटिंग टाइम होता है. So apart from this IVF, IUI, ये सारे ट्रीटमेंट के अलावा था एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सब भी नॉर्मली हो रहा है या यस फिर अब अभी इन जैसे सब की? सो इट ऑल डिपेंड्स, यानी कि हम जो हमने प्रायोरिटीज पे रखे हैं, हमने पेशेंट्स रखे हैं जिनको एक्चुअली दे कांट वेट. अब जैसे जिनके एग्स काफी कम हो रहे हैं तो उन केसेस के अंदर हम बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आप जितना वेट कर रहे हैं आप अपनी फर्टिलिटी को उतना कम कर रहे हैं. सो देर आर सर्टन पेशेंट्स जिन्होंने बहुत प्रायर अपने बुकिंग्स करके रखे हैं फॉर IVF, या फिर उनको हम ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकेशन दे के रखे हैं करके, तो उन केसेस के अंदर हम प्रेफर करेंगे नॉट टू वेट. देर इज एन ऑप्शन कि आप IVF कर लीजिए, आपके एम्ब्रियोस फ्रीज हो जाए विच आर सेफ इन द लैब, एंड फिनिश योर वैक्सीनेशन एंड देन कम बैक एंड टेक योर एम्ब्रियो ट्रांसफर. सो उस वे में हम दोनों चीजें आपकी पॉसिबल कर पा रहे हैं. वन इज हम टाइम बचा रहे हैं सो दैट योर एम्ब्रियोज आर क्रिएटेड, सो यू आर नॉट वेस्टिंग ऑन योर टाइम. ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ना पड़े. आप अपना वैक्सीनेशन फिनिश करके सेफली आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आ सकते हैं, तो इन दैट वे यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एज वेल एज योर बेबी ऑल्सो. सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो फॉरवर्ड, कि जहां पे इफ योर डॉक्टर इज सेइंग कि यू शुड नॉट बी वेटिंग टू मच करके, एंड टाइम भी कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो यू शुड गो अहेड, डू योर IVF, फ्रीज योर एम्ब्रियोज एंड देन कम बैक एंड टेक द ट्रांसफर लेटर ऑन. सेकेंड, जो आपने एग फ्रीजिंग की बात की ना, एग फ्रीजिंग दो रीजन से हम करते हैं. वन इज जहाँ पे आपको कोई ना कोई रीजन की वजह से कैंसर थेरेपी, सर्जरी या तो फिर रेडियो थेरेपी लेने की जरूरत है, तो इट्स इट्स एन इमरजेंसी फॉर अस, राइट? वी हैव टू फ्रीज योर एग्स और स्पर्म बिकॉज आपका वो कैंसर थेरेपी स्टार्ट होने वाली है. सो उन केस में हम वेट नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू गो अहेड एंड फ्रीज योर एग्स. सेकेंड, सोशल एग फ्रीजिंग होता है. सोशल एग फ्रीजिंग के लिए ऑफकोर्स वी नीड टू वे द प्रोज एंड कॉन विद द पेशेंट, कि वो क्या चाह रहे हैं करके. कई पेशेंट्स हम अभी देख रहे हैं, जैसे जो बैंगलोर से चेन्नई से बिलोंग कर रहे हैं, राइट नाउ वो इंदौर में है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, एंड देन प्रोबेबली आफ्टर 3 months दे आर गोइंग टू शिफ्ट बैक टू देयर होम टाउन, या तो फिर दे आर गोइंग टू गो बैक टू द प्लेसेस वेयर दे आर वर्किंग जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा. सो दोज आर द पीपल हु वॉन्ट कि अभी हमारे पास टाइम है तो लेट अस फिनिश आर एग फ्रीजिंग एंड देन वी कैन गो बैक टू आर वर्क सेफली करके. तो उन केसेस के अंदर हम ऑफकोर्स विथ ऑल द प्रिकॉशंस, मेकिंग श्योर कि कोविड नहीं है, सारी चीजें ठीक है करके, तो फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं फ्रीजिंग देयर एग्स और द सीमेन. एंड उन कपल्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर चुके, मिडिल में हैं, वो अपने को ओके, इमोशनली, फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स. साइकोलॉजिकली सो सो देयर आर बहुत? टू थिंग्स टू इट. जैसे मैंने बोला, हम सी वी कांट फोर्स एनीवन इनटू डूइंग एनीथिंग, बट एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है काउंसलिंग. सो हम सारी चीजें उनके सामने रखते हैं कि व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर देम डिपेंडिंग अपॉन वो कितने हाई रिस्क है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पेशेंट है जो IVF स्टार्ट कर चुका है, तो ऑफकोर्स हम बीच में तो बंद नहीं करेंगे, विल गो अहेड. बट शी इज अ पेशेंट हु इज डायबिटिक. हमें पता है कि शुगर पेशेंट्स के अंदर कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके अंदर अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो फिर और भी बढ़ जाएंगे. तो इन सच पेशेंट्स वी विल इंसिस्ट ऑफ कोर्स फोर्स. सॉरी, हम ये इंसिस्ट करेंगे कि आप अपना IVF करवा लीजिए, एम्ब्रियो फ्रीज कर लीजिए. इट इज बेटर फॉर देम टू टेक द वैक्सीन एंड देन प्लान द प्रेगनेंसी, और फिर बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर लें. बट लेट्स से कोई यंग पेशेंट है जिनकी ट्यूबल ब्लॉक हो गई है, या तो फिर स्पर्म्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें IVF करना पड़ रहा है करके, उन पेशेंट के अंदर बिकॉज दे आर नॉट वेरी हाई रिस्क टू द कोविड, अगर उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है, उनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं होने वाला है, एंड इफ द इंसिस्ट के नो वी वॉन्ट टू गो अहेड एंड प्लान द प्रेगनेंसी, ऑफकोर्स देन वी कैन गो अहेड एंड डू द ट्रांसफर इन सच केसेस करके. बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन कि तब का सिनेरियो क्या है, उनकी फैमिली का स्टेटस तब क्या है करके, एंड वॉट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल द हस्बैंड एंड द वाइफ एंड द फैमिली इज इनटू, सो दैट वी कैन डिसाइड व्हाट इज सेफ फॉर देम. And what if a couple is in the middle of a treatment and they test positive for COVID? ओके, सिचुएशन में फिर क्या राइट? करें? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जब आप IVF ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं एंड इफ आइदर ऑफ यू टर्न्स पॉजिटिव, सो लेट्स से आपके हस्बैंड पॉजिटिव आते हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम आपका सीमेन फ्रीजिंग करके रख रहे हैं एज अ बैकअप. जो हमने मे बी 1 महीने पहले, 15 days पहले जो है आपका एक बार कोविड टेस्ट करके अगर वो नेगेटिव है तो हमने उसको फ्रीज किया है.
अगर आईवीएफ के दौरान आपके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं बट आप नेगेटिव आते हैं, वी स्टिल गो अहेड एंड डू द आईवीएफ. हम एग्स रिट्रीव करते हैं और जो सैंपल हमने फ्रीज करके रखा है, जो सिमेन सैंपल हमने फ्रीज करके रखा है, हम वो स्पर्म्स यूज करके आगे बढ़ते हैं, आईवीएफ फिनिश करते हैं और एम्ब्रियोज बनाते हैं. बट अगर वाइफ पॉजिटिव आती है, इन दैट केस वी हैव टू कैंसिल द साइकिल बिकॉज हम लैब को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, हम ये गैमेट्स को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी तक स्टडीज नहीं आई है उतनी जो हमें ये बताए कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो ये आपके एक्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है आपके बेबी को या नहीं. सो टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि वो नहीं हो, ट्रांसमिशन नहीं हो बेबी के अंदर, वी हैव टू स्टॉप दैट साइकिल एट दैट पॉइंट. हम आपको मेडिकेशंस दे देते हैं टू कंट्रोल योर फर्दर ग्रोथ ऑफ द एग्स या तो फिर फर्दर ग्रोथ ऑफ योर ओवरीज ताकि आप सेफ रहे करके, बिकॉज जब हम ये इंजेक्शंस देते हैं आपका आपके ब्लड कोएगुलेशन पैरामीटर्स पे भी असर पड़ता है एंड कोविड के अंदर भी जो है ब्लड कोएगुलेशन पैरामीटर्स पे असर पड़ता है. सो बोथ ऑफ थिंग्स वी कांट कंटिन्यू टुगेदर, सो वी हैव टू टेक ए कॉल एंड स्टॉप द साइकिल वहीं पे. इन केस अगर आपके हस्बैंड का पॉजिटिव आता है एंड हमारे पास फ्रोजन सैंपल नहीं है, उस केस में यू कैन स्टिल गो अहेड एंड फिनिश योर साइकिल और हम आपके एक्स को फ्रीज करके रख सकते हैं. वंस योर हस्बैंड इज फ्री ऑफ कोविड फिर हम उनका सैंपल यूज करके वी कैन गो अहेड एंड डू द इक्सी एंड डू द एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉर यू. एंड लाइक क्या वैक्सीन लेना सही है उन कपल्स के लिए जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? यानी अगर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, आइडियली यस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू शुड गो अहेड. अगर आपको स्लॉट मिल रहा है कहीं पे भी मिल रहा है, यू शुड गो अहेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे आपने अपना वैक्सीन लेना चाहिए. लेट्स से अगर आपका जस्ट अभी नेक्स्ट 3 डेज के बाद आपका आईवीएफ स्केड्यूल्ड है करके कि आपको स्टार्ट करना है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं एंड यू डोंट वांट टू वेट मोर करके, सो उन केस में जैसे मैंने बताया कि दो ऑप्शंस, यू गो अहेड फिनिश योर आईवीएफ फ्रीज 15 डेज के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है, गो अहेड टेक योर फर्स्ट शॉट ऑफ द वैक्सीन एंड देन एंड फिनिश योर वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस ऑफ स्केड्यूल एंड देन कम बैक एंड डू द ट्रांसफर. एंड अगर आपको नहीं करना है कि नहीं आपको वैक्सीन नहीं लेना है करके, वॉट एवर द सेड सिनेरियो, देन यू गो अहेड एंड टेक द ट्रांसफर. बट हैज अ डॉक्टर हैज आई वुड स्टिल सजेस्ट एंड स्टिल इंसिस्ट ऑन टेकिंग द वैक्सीनेशन so that we are making yourself as well as aapke baby ko bhi protection mil rahi hai us cheez se, so it's always a good idea to protect yourself by taking the vaccination. So doctor, I think humne sare questions cover kar liye hain. If aapki taraf se aap kuch add on karna chahte hain to please aap bata sakte hain. Okay, I think hamare paas thode bahut isme questions aaye hain kuch. I don't think so. Ek hi tha, ek khushbu pooch rahi hai ki wo conceive So what she can do? So, ये जैसे मैंने बोला कि अभी टेली मेडिसिन का टाइम आ गया है, सो मे बी अगर आपके आसपास में कोई भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है हु इज ऑफरिंग यू अ टेली कंसल्ट एंड इफ यू डोंट वांट टू गो पर्सनली एंड विजिट नहीं करना चाह रहे हैं, मे बी यू कैन जस्ट स्केड्यूल अ टेली कंसल्ट. बेसिक टेस्ट अगर आपके आसपास में हो पा रहे हैं या होम विजिट हो पा रही है ब्लड टेस्ट के लिए, तो जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं यू कैन गो अहेड एंड डू दोस टेस्ट. सो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम है. अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप एक अच्छे से कंसल्टेंट से दिखा दीजिए, टेली कंसल्ट कर लीजिए, सो दैट एटलीस्ट शी कैन गाइड यू अबाउट द बेसिक थिंग्स व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग एट होम, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए या जैसे ये चीजें थोड़ी सी और कम हो जाए, यू कैन फिजिकली गो एंड विजिट द डॉक्टर. एंड व्हाट विल द की टेक अवेज फॉर द सेशन फॉर द कपल्स हु आर प्लानिंग टू गेट ओके सो कपल्स हु आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, वन इज ऑफ कोर्स टेक योर वैक्सीन. वैक्सीन बहुत सेफ है. देर आर सर्टन मिथ्स जो हो रहे थे जो हम सोशल मीडिया पे भी डीबंक करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट. वन इज की बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं बोलते हैं हमने वैक्सीन इसलिए नहीं लिया बिकॉज वी हैव हर्ड कि इससे इनफर्टिलिटी और बढ़ जाएगी या हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. सो वन इज आई वॉन्ट टू से कि वैक्सीन एकदम सेफ है, इट डजेंट अफेक्ट योर फर्टिलिटी. वैक्सीन जो है ये एंटीबॉडीज बनाती है आपके बॉडी के अंदर, इट डजेंट डिस्ट्रॉय योर स्पर्म्स और एग्स, सो इट डजेंट कॉज यू एनी इनफर्टिलिटी. सो प्लीज इट इज सेफ टू टेक द वैक्सीन. अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या अभी तक नहीं भी कर रहे हैं बट यू डोंट हैव किड्स राइट नाउ एंड अगर किसी ने आपको ये बोला है कि आपने वैक्सीन ले लिया आप कभी भी माँ या पापा नहीं बन सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू, इट्स अ फॉल्स मैसेज. सो प्लीज यू नीड टू कम्प्लीट बोथ द डोजेस ऑफ योर वैक्सीन. सेकेंड है कि ये मिथ आ रहा है कि पीरियड्स के टाइम पे जो है हम वैक्सीन नहीं ले सकते हैं या पीरियड्स के 3 दिन पहले वैक्सीन नहीं ले सकते या पीरियड्स के 3 दिन बाद नहीं ले सकते हैं. ये भी जो है एक फॉल्स मैसेज है. आप पीरियड के कोई भी दिन पे, आपके मेंसेस के कोई भी दिन पे जो है
आप अपनी वैक्सीन ले सकते हो। पीरियड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको कब आप कोविन ऐप के थ्रू आपको आपका वैक्सीन स्केड्यूल मिल रहा है, यू नीड टू गो एंड स्केड्यूल योर डोज फॉर इट। इट डजेंट मैटर कि कब आपके मेंसेस आए हैं। एंड थर्ड इज कि वेदर इट इज सेफ टू टेक द वैक्सीनेशन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और नॉट। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज हैज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया है टू गिव द वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। बट फॉक्सी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, विच इज द लार्जेस्ट गाइनेक सोसाइटी ऑफ इंडिया, RCOG जो है, जो यूके की गाइडलाइंस है, वो ये बोल रही है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि आप हाई रिस्क पे है, जैसे फ्रंटलाइन लोग वर्कर्स है, जैसे कि मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, या नर्सिंग स्टाफ है, या फिर और कोई है जिनको हर रोज जाके कोविड पेशेंट से मिलना है, कोई लैब टेक्नीशियन है, या फिर जो एक्सपोजर रेशियो के लिए हाई है, दोज आर द पेशेंट्स जहाँ पे काउंसलिंग के बाद वी डिसाइड वेदर दे आर द राइट कैंडिडेट टू टेक द वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और नॉट। थर्ड इज के यूएस यूके के अंदर दे हैव स्टार्टेड गिविंग द वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी बिकॉज उनके पास जो वैक्सीन है वो फाइजर और मॉडर्ना है, विच इज एन mRNA वैक्सीन, वहां पे ट्रायल्स हो चुके हैं एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट इज सेफ टू गिव इन प्रेगनेंसी। बट अपनी जो वैक्सीन है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, उसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं एज ऑफ नाउ, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है टू गिव इट इन द प्रेगनेंसी फेज। द फोर्थ इज लैक्टेशन, यानी अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, यू आर सेफ टू टेक द वैक्सीन एनी टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड कि आप वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोवाशील्ड हो, आप कभी भी एट द टाइम वेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, पोस्ट डिलीवरी, 1 month आफ्टर डिलीवरी, 3 months, 6 months, 7 months, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं तो भी आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। इनफैक्ट दे से कि इम्यूनिटी इन द बेबी विल ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज वैक्सीन एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, और आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू अगर वो एंटीबॉडीज बेबी में जाती है तो कहीं ना कहीं पे वो बेबी भी प्रोटेक्शन में आ जाता है। सो दिस आर सर्टन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू यू नो पीपल हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर जिनको पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, या तो फिर जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, पीपल जो प्रेग्नेंट है, या तो फिर जो अभी लैक्टेटिंग है, उनके लिए ये सब अभी एडवाइजेस आई है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। आई होप कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज, एंड थैंक यू सो मच। द लास्ट टेक होम व्हाट आई विल से इज प्लीज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये नहीं है कि हम घर पे हैं तो यू नो वी आर नॉट वर्किंग आउट, या तो फिर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। प्लीज 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 मेक श्योर कि आप जब घर पे भी है, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हाफ एन आवर ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इज गुड फॉर योर लंग्स, मे बी जस्ट सिंपल ब्रीदिंग या तो फिर जस्ट सिंपल मेडिटेशन वर्क्स। आपके लंग्स को, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। द फिटनेस लेवल शुड बी रियली गुड इन केस कभी भगवान करे ऐसा ना हो, टच वुड, बट इन केस इफ यू हैव टू फेस दैट कोविड, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू फाइट इट एंड कम बैक। सो टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। फैमिली के बारे में बाद में सोचिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। इफ यू आर प्रोटेक्टेड देन योर रेस्ट ऑफ योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट एज अ डॉक्टर टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर अबाउ 18 ईयर्स, प्लीज कम्प्लीट योर वैक्सीनेशन स्केड्यूल, डू नॉट डिले इट। और कोई भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, बोथ आर इक्विवेलेंटली गुड, प्लीज गो अहेड एंड टेक योर वैक्सीन। थैंक यू। आई थिंक वी आर डन, और तो क्वेश्चन है नहीं। एनी अदर क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क? नहीं, हमारे भी सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो इट वॉज नाइस सेशन दैट वी ऑल्स, इट वॉज वेरी गुड टॉकिंग टू यू डॉक्टर, स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द वेलशियम प्लेटफॉर्म। या सेम हियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ। तो जैसा कि आज की हमारे सेशन में डॉक्टर कल्याणी ने हमें बताया कि आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जरूर जा सकते हैं, बट सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट। वेयर योर मास्क, प्रिकॉशंस लीजिए एंड एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी ईटिंग करिए। एंड हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक, या हम फिर कल कल वापस मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद जल्दी। थैंक यू।